आ गई है इस हफ्ते की ऑनलाइन थेरेपी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा शो नागिन सीजन 6 की इस हफ्ते की ऑनलाइन थेरेपी। और इस बार की जो ऑनलाइन थेरेपी है वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जो शो बहुत हफ्तों से नंबर 1 के पोजीशन पर था, इस हफ्ते वो नंबर 4 के पोजीशन पर पहुंच गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। नागिन सीजन 6 का इस हफ्ते जो ऑनलाइन थेरेपी है वो थेरेपी तो सेम है, लेकिन पोजीशन एक पोजीशन ऊपर चला गया है। और इस बार नागिन 6 का जो थेरेपी है, जो ऑनलाइन थेरेपी है वो है 42.0। और इस बार नागिन 6 है नंबर 3rd के पोजीशन पर। अभी हम बात करेंगे इस हफ्ते की टॉप 20 टीवी शोज। इस बार नंबर 20 के पोजीशन पर है भाभी जी घर पर है, जिसको टीआरपी मिला है 10.0। नंबर 19 के पोजीशन पर है सन्ना मेरेया, जिसको टीआरपी मिला है 12.0। नंबर 18 के पोजीशन पर है अपना पन, जिसको टीआरपी मिला है 14.0। नंबर 17 के पोजीशन पर है उदारिया, जिसको रेटिंग्स मिला है 16.0। नंबर 16 के पोजीशन पर है अलीबाबा दास्तान काबुल, जिसको रेटिंग्स मिला है 17.0। नंबर 15 के पोजीशन पर है ए है साहब, जिसको रेटिंग्स मिला है 18.0। नंबर 14 के पोजीशन पर है अजुनी, जिसको रेटिंग्स मिला है 20.0। नंबर 13 के पोजीशन पर है राधा मोहन, जिसको रेटिंग्स मिला है 21.0। नंबर 12 के पोजीशन पर है पिशा सिंह, जिसको रेटिंग्स मिला है 22.0। नंबर 11 के पोजीशन पर है बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2, जिसको रेटिंग्स मिला है 24.0। अभी हम बात करेंगे टॉप 10 टीवी शोज ऑफ दिस वीक। इस बार टॉप 10 के पोजीशन पर है गुम है किसी के प्यार में, जिसको रेटिंग्स मिला है 25.0। नंबर 9 के पोजीशन पर है कुमकुम भाग्य, जिसको रेटिंग्स मिला है 27.0। नंबर 8 के पोजीशन पर है भाग्य लक्ष्मी, जिसको रेटिंग्स मिला है 30.0। नंबर 7 के पोजीशन पर है कुंडली भाग्य, जिसको रेटिंग्स मिला है 31.0। नंबर 6 के पोजीशन पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसको रेटिंग्स मिला है 34.0। नंबर 5 के पोजीशन पर है वो तो है अलविदा, जिसको रेटिंग्स मिला है 37.0। नंबर 4 के पोजीशन पर है इमली, जिसको रेटिंग्स मिला है 39.0। नंबर 3 के पोजीशन पर है नागिन सीजन 6, जिसको रेटिंग्स मिला है 42.0। नंबर 2 के पोजीशन पर है ए रिश्ता क्या कहलाता है, जिसको रेटिंग्स मिला है 44.0। नंबर 1 के पोजीशन पर है अनुपमा, जिसको रेटिंग्स मिला है 45.0। तो इस बार अनुपमा बना नंबर 1। इमली बहुत हफ्तों से नंबर 1 के पोजीशन पर था, लेकिन इस बार नंबर 4 के पोजीशन पर चला गया है। और इसकी जो टीआरपी है वो भी कम हो गई है। इमली में तो बहुत जल्द लीप आने वाला है, नागिन 6 में तो ऑलरेडी लीप आ गया है। और नागिन 6 का टीआरपी स्टेबल है, लेकिन एक पोजीशन ऊपर चला गया है। लास्ट भी इसका जो पोजीशन था वो 4th पोजीशन था, इस हफ्ते नंबर 3rd के पोजीशन पर है। नागिन 6 में अभी तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां पर भी आ गया है और जो प्रथा की बेटी है पार्टनर वो भी शेष नगिन बन गई है, तो कहानी के ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और थर्सडे को आएगा बीआरसी की टीआरपी, तो आप कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है नागिन 6 का इस हफ्ते जो टीआरपी है क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।